हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में सेफ होंगे कोरोना से, और सही से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग, सिर्फ असिस्टिंग नहीं बाकी सब्जेक्ट्स के भी। आप लोग रेगुलरली जो है वीडियोस देख रहे होंगे एसएसटी और बाकी सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट हैं उसके, और आई होप कि आपको समझ में आ भी रहा होगा सारे टॉपिक्स को। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछ रहे होंगे कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलर टीचर से। मैं निशांत कुमार आज आपको क्लास एसएसटी क्लास 8 का जो है एसएसटी पढ़ाने वाला हूँ, और ये हमारा फोर्थ पार्ट है इस चैप्टर का। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास थर्ड चैप्टर 3 है एसएसटी का, सिविल सेक्शंस का, जिसका नाम है द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑलराइट, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जो है जब वीडियो देखें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में स्टार्टिंग और अपना नाम जरूर लिखें, और जब वीडियो एंड करें तो कमेंट सेक्शन में अपना एंडिंग जरूर लिखिएगा। और आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने किताबें ले ली होगी ताकि आप लोगों को टॉपिक्स को समझने में, चैप्टर्स को समझने में आसानी हो रहा होगा। आप बुक के सामने रखकर वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग हमारे चैनल सर रिट्रीट को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं ये फोर्थ पार्ट हमारे वीडियो का, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हमारे देश में अपनाया गया था इसको। फिर हमने देखा कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। फिर हमने देखा लोकसभा के बारे में कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है उनकी, 52 मेंबर्स होते हैं सब टोटल, कुछ प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किए गए होते हैं, कुछ स्टेट्स के स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू मिला हुआ है। और हमने देखा उनका एलिजिबिलिटी, देखा कि क्या क्या एलिजिबल कंडीशंस है एक लोकसभा के मेंबर्स बनने के लिए। हमने देखा कि टर्म कितने साल का होता है हमारे लोकसभा के मेंबर्स का, जो कि 5 साल है, ठीक है, इमरजेंसी में 1 साल आगे बढ़ाया भी जा सकता है और पहले भी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। हमने देखा कि उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं लोकसभा के। फिर हमने राज्यसभा का देखा कि राज्यसभा में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कॉम्पोजिशन क्या होती है उनकी, उनकी टर्म कितने साल की होती है, फंक्शंस क्या होते हैं उनके, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं। फिर हमने देखा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा कि एलिजिबल कंडीशंस क्या क्या होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के फंक्शंस देखे हमने कि प्रेसिडेंट का फंक्शंस क्या क्या होता है, उसका टर्म देखा हमने, उसकी सैलरीज देखी हमने, क्लियर। फिर उसके हमने पावर्स देखे इमरजेंसी, जैसे कि इमरजेंसी पावर हो गया, जुडिशियल पावर हो गया, डिप्लोमेटिक पावर्स हो गए, मिलिट्री पावर्स हो गए, लेजिस्लेटिव पावर्स हो गए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक चैप्टर का, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो जो मेजोरिटी गवर्नमेंट होता है, जो सरकार बनी हुई होती है, ठीक है, उसका हेड होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, क्लियर। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, यानी कि जिसकी सरकार इस समय होती, करंट में होती है, उस पार्टी का जो है लीडर, उस गवर्नमेंट का लीडर होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द लोकसभा, और वो लोकसभा का भी लीडर कहलाता है, ठीक है। लोकसभा का लीडर प्रधानमंत्री होता है, और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जिसको हम लोग स्पीकर कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। वो हाउस का पूरा लीडर होता है, वो हेड होता है हमारा स्पीकर, जो हाउस को चलाता है, जो सदन को चलाता है, ठीक है। बट ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये लोकसभा का एक लीडर होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हमारा उस मेजोरिटी पार्टी का जो है वो लीडर कहलाता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और जो हमारा राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट जो है, वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे जो है वो काम करता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द लेजिस्लेचर, यानी कि जो लेजिस्लेचर है हमारा, जो नेता लोग हैं और जो प्रेसिडेंट है हमारा,
उसके बीच का लिंक होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, और जो प्रेसिडेंट है ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि सरकार जो है अच्छी तरह से चल रही हो, इफेक्टिव तरीके से चल रही हो। अगर प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो वो सरकार गिर जाएगी, वो सरकार नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर वो कैपेबल नहीं है सरकार को चलाने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर से बात करके प्रेसिडेंट जो है इस लोकसभा को या इस मेजोरिटी पार्टी को डिसॉल्व कर सकता है, यानी सरकार को गिरा सकता है, क्लियर। अब देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो मान लो ये हमारा ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं मेजोरिटी पार्टी के, जिनको मेजोरिटी वोट मिला हुआ है और वो सरकार उन्होंने बनाया है, क्लियर। तो इसी में से कोई एक तुम्हारा प्रधानमंत्री बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, और जितने बाकी बच जाते हैं वो इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। जो बाकी जो बच जाते हैं एक लीडर के अलावा वो सारे तुम्हारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं, ठीक। और इनका हेड कौन होता है, इन सबका हेड कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर हेड कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर टू हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और ये जो प्रधानमंत्री है हमारा, ये एडवाइस करता है हमारे प्रेसिडेंट को, ठीक है, ताकि प्रेसिडेंट जो है उनके एडवाइस पे उनके अकॉर्डिंग काम कर सके, क्लियर। द प्रेसिडेंट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद रिसर्च एडवाइस, और प्रेसिडेंट जो है जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, और जो प्रधानमंत्री है उनके एडवाइस पे ही काम करता है, ठीक। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिवाइडेड इनटू, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये जो बचे हुए बंदे हैं, ठीक है, लोकसभा के, ये जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से, एक कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस, यानी कि उनका खुद का आजादी होता है डिसीजन लेने का, और एक होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो कि इनके एडवाइस पे काम करते हैं, क्लियर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जिनका हेड होता है, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस, ठीक। तो प्रधानमंत्री भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक हिस्सा माना जाता है, क्लियर, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ, ये इन सबको मिलाकर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है। क्लियर। अब देखो जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर है वो एक सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालते हैं। जैसे हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर को, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर, क्लियर, एजुकेशन, एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स, क्लियर। उसी तरह टेक्सटाइल मिनिस्टर होगा कोई, तो अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स को कैबिनेट मिनिस्टर संभालते हैं। डिफेंस हो गया, कॉमर्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा कोई, जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं वो लोग, क्लियर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है, उसी तरह होम मिनिस्टर हो गया। तो ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये सारे हमारे एक कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं और ये सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, ये सारे जो है सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, क्लियर। उसी तरह कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेट लेवल पे काम करते हैं बट उनके पास खुद की आजादी होती है, इनको जो है इन जितने मिनिस्टर्स हैं इनको किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके कोई भी नियम कानून, कोई भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उनके डिपार्टमेंट के लिए वो खुद ही अपना डिसाइड करके बनाते हैं, इनको कोई एडवाइस नहीं करता है, ठीक, ये जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है।
अब आगे हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है वो एक स्टेट लेवल पे काम करते हैं और उनके पास खुद की आजादी होती है, ठीक। ये जो है अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं और इनकी मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये खुद की डिसीजन ले सकते हैं और इनकी हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। बट उसके बाद हमारा बच गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो कि स्टेट लेवल पे अपॉइंटेड होते हैं और इनको जो है इनके एडवाइस लेने, किसी भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए, कोई भी नियम कानून बनाने के लिए इनकी एडवाइस लेनी जरूरी है। इसी तरह हमारे जो मिनिस्टर्स है ये हमारे स्टेट लेवल पे भी होते हैं, ठीक है। वो होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही, बट वो एक स्टेट लेवल पे अपॉइंटेड होते हैं, क्लियर। एक होता है चीफ मिनिस्टर और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके अलग मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक। बट ये जो है ये सारे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी सेंट्रल लेवल के होते हैं, बट सिर्फ ये जो है सेंट्रल लेवल काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उसके अलावा जो ये बच गए ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये एक स्टेट लेवल पे काम करते हैं, बट उनको एडवाइस देनी पड़ती है इन सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया टॉपिक। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं वहां पे आपको हेल्प कर दूंगा, मैं वहां पे आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इस टॉपिक को आप लोग पीडीएफ जो इस चैप्टर का मिलेगा आपको इसे जरूर पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो टॉपिक, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक। आई होप आपको यह समझ में आ गया। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबल कंडीशन है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए या फिर एक लोकसभा या फिर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वर्किंग क्या होता है, काम क्या होता है, वो हम देखेंगे अभी आने वाले टाइम में। ऑलराइट, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और सॉरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। To be eligible for the appointment as a council of minister, a person must be a member of either house of the parliament. यानी कि अगर council of ministers बनना है तो main eligibility conditions ये है कि किसी भी house का उसको member होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, ठीक। However, if a person is not a member of either house, then he can be appointed a minister only for 6 months. अगर कोई पर्सन ऐसा है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अपॉइंट हो गया है बट वो किसी भी हाउस या फिर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो उस केस में जो है उस पर्सन को 6 मंथ्स के लिए है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो अपॉइंट किया जा सकता है। इसी टाइम पीरियड में यानी इसी 6 मंथ में जो है उस मिनिस्टर को किसी भी हाउस का, किसी भी सदन का, मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा का हो, वो मेंबरशिप उसको लेना ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो नहीं लेता है विद इन 6 मंथ्स तो उसको हटाया जा सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, क्लियर। अब वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये क्लियर हो गया आप लोग को, समझ गए आप लोग। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसा कि अभी हमने देखा था, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होता है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। द काउंसिल वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर एज अ टीम, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एज अ टीम काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के अंडर में, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था ये पीएम है और जो बाकी उसके मेंबर्स हो गए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये प्रधानमंत्री के अंडर में एक टीम की तरह काम करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसे मैंने बताया था कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, मतलब कि वैसे मिनिस्टर जो स्टेट के लेवल पे अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं और हेल्प भी ले सकते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का, और तीसरा हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करते हैं वो लोग स्टेट लेवल पे, बट वो होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट, क्लियर। इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट फॉर एनी डिसीजन टेकन बाय इट, और जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि ये जो ग्रुप है अलॉन्ग विद प्रधानमंत्री, यही रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए, आंसरेबल है, ठीक है। ये जवाबदेही है इनका और ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जिम्मेदार है कि कोई भी डिसीजन जो ये लोग ले रहे हैं
इसका जवाब दे ही जो है इनको पार्लियामेंट में देना पड़ता है, अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है अगर सवाल इनसे पूछते हैं तो, कि ये डिसीजंस जो भी इन्होंने प्रोग्राम्स बनाया पॉलिसीज बनाया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है उसका जवाब देने का, कि क्यों बनाया, किस लिए बनाया, इसका फायदा क्या, इसका नुकसान क्या हो सकता है। क्लियर। इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास अगेंस्ट देम देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर हैड टू रिजाइन। अगर इनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब है अविश्वास प्रस्ताव, इसको हिंदी में कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि इनमें जो है ये कैपेबल नहीं है, ये सरकार, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैपेबल नहीं है, तो उनके खिलाफ एक वोटिंग हो सकती है जिसमें जो है अगर वोटिंग ज्यादा पड़ गया इनको, ठीक है, जितने मेंबर्स है टोटल अगर एक रिक्वायर्ड से ज्यादा अगर इनको वोट मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार वो गिर सकती है और प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको रिजाइन देना पड़ सकता है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है अगर वो कम हुआ तो सरकार जो है कंटिन्यू करती रहेगी एज यूजुअली फंक्शन करती रहेगी। ठीक है, तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गया क्या क्या वर्क होता है इनका। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जैसे कि मैंने बताया था कि तीन कैटेगरी जो डिवाइडेड है वो अलग अलग अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं, सबको अलग अलग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसका वर्क जो है दिया गया है और वो उसी तरह अपने डिपार्टमेंट्स के पर्टिकुलरली वर्क और जवाबदेही होते हैं। एज ए पार्लियामेंट को भी जवाबदेही उनका बनता है और एक सिटीजन के लिए भी उनका जवाबदेही बनता है। क्लियर, तो आई होप कि जो टॉपिक्स अभी मैंने पढ़ाया आपको क्लियर हो गया होगा और जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाया जो टॉपिक्स चैप्टर में है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का और चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किताबें जरूर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और किताबें आप लोग जरूर ले लीजिए। ठीक, कोई भी डाउट हो प्लीज 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 मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। क्लियर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।